नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। पिछले 75 दिनों से भी अधिक समय तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जमशेदपुर से किसानों का एक जत्था गुरुवार को भगवान सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सिख समाज के लोगों ने सभी किसानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस संबंध में किसान नेता भगवान सिंह ने बताया कि जत्थे में शामिल किसान 10 दिन वहीं रुकेंगे और आंदोलनरत किसानों की हौसला अफजाई करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि 10 दिनों के भीतर किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि बिल 2020 को लेकर जारी गतिरोध समाप्त किए जाने की अपील की। हमने भगवान बिरसा मुंडा का धरती से झारखंड से अपने किसान एकता मंच मैनवे का दलित सब किसान भाई मिलकर किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग 10 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन आ रहे हैं, 10 दिन तक आ रहे हैं। करते हैं उससे पहले ही सरकार को मान जाना चाहिए, डीसीएम दे रहा चाहिए किसानों का, तो उम्मीद करके हम लोग जा रहे थे। गौरतलब है कि भगवान सिंह किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही लगातार जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में किसान चौपाल लगाकर कृषि बिल 2020 की खामियां आम जनता को गिना रहे हैं। उसकी कड़ी में गुरुवार को सैकड़ों लोगों के साथ ही वे दिल्ली रवाना हुए हैं। इस दौरान सीजीपीए के पूर्व प्रमुख गुरमुख सिंह मुखे और समाजसेवी बाबू नाग भी शामिल हैं। मैं बाबू नाग और चंद्रमोहन नाग झारखंड के बिरसा मुंडा सिद्धू कानू की धरती से आज हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में हमारे सभी साथी, हमारे सिख समाज से लेकर विभिन्न विभिन्न जो भी किसान के समाज हैं और हमारे बीच में मजदूर, छात्र, बुद्धिजीवी सभी हम लोग जो है, जो आज जन विरोधी जो है 3 कानून के खिलाफ हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर उस आंदोलन को मजबूती से हम लोग शामिल होंगे और आने वाला समय में जिस तरह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो आंदोलन चल रही है, उस तर्ज पर हम लोग झारखंड में भी किसान आंदोलन के साथ साथ छात्र और बुद्धिजीवी के साथ साथ हम लोग आंदोलन को तेज करें। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।